हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स आज के एपिसोड को जरा ध्यान से सुनना और जरा ध्यान से समझना, क्योंकि आज मैं बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट बातें करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अगर यह बात तो किसी से छुपी नहीं कि चाइना में जाके वही फिल्म काम आएगी और वही फिल्म हिट होगी जिसका कंटेंट अच्छा होगा, जिसका इमोशनल वैल्यू थोड़ा स्ट्रांग होगा। ये बात अभी आमिर खान को भी समझ में आ गई है कि सिर्फ आमिर खान की फिल्म में जाके चाइना में नहीं चलेगी। अब एग्जाम्पल उसका सबसे बड़ा ले लो तो वो है बजरंगी भाईजान, जिसने चाइना में जाके अपरंपार सफलता पार की। और अभी आगे जितनी भी आने वाली फिल्में हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम ले लो या फिर अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा ले लो, फिल्म में अगर कंटेंट होगा तो फिल्म जरूर बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाएगी। ये बात आमिर खान को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है, इसलिए आमिर खान अब चुप बैठने वाला नहीं। अब वो अपनी फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार, जिसने चाइना में इतनी ज्यादा कमाई कर ली कि अपने हिंदुस्तान की कमाई से लगभग लगभग 15 से 20 गुना ज्यादा कमाई करके अब वो ले जा रहा है सीक्रेट सुपरस्टार इन द कंट्री ऑफ हांगकांग। आमिर खान वहीं नहीं रुकेगा, वो इंटरनेशनल मार्केटिंग का बादशाह है और उसको इंटरनेशनल मार्केटिंग गुरु भी कहा जाता है। हांगकांग के बाद वो ताइवान जाएगा, वो जापान जाएगा, वो साउथ कोरिया भी जाएगा, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स अब ऐसे स्थिति में बजरंगी भाईजान जैसी बे इंतहा प्यार मिलने वाली फिल्म और बे इंतहा सपोर्ट इकट्ठा करने वाली फिल्म को क्या करना चाहिए? मेरी नज़र में इरोस, जो इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको अपने सॉक्स पुल अप करने चाहिए और एसकेएफ यानी कि सलमान खान फिल्म्स को भी अभी थोड़ी यहाँ पर होशियारी दिखानी है और थोड़ा काम में और दिल लगा के काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर बजरंगी भाईजान चाइना के बाद कोई टेरिटरी डिजर्व करती है तो वो है जापान। यस फ्रेंड्स, बजरंगी भाईजान डिजर्व्स अ रिलीज इन जापान, क्योंकि इरोस जो एंटरटेनमेंट है, बजरंगी भाईजान का डिस्ट्रीब्यूटर, ही इज अ मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर इन जापान। अगर आपको याद है शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम, जिसको बहुत ही सक्सेसफुली डिस्ट्रीब्यूट किया था नन अदर देन इरोस से, इरोस सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है और सबसे बड़ी बात है बजरंगी भाईजान का डिस्ट्रीब्यूटर है। अब बात करते हैं द अदर टेरिटरी ऑफ साउथ कोरिया। फ्रेंड्स बहुत लोगों को लगता है साउथ कोरिया में फिल्में नहीं रिलीज होती, ये बात बहुत गलत है। इंग्लिश विंग्लिश श्रीदेवी जी की फिल्म थी, वो भी जाकर साउथ कोरिया में रिलीज हुई थी, तो अगर इसके मेकर्स चाहे तो इसको साउथ कोरिया में रिलीज कर सकते हैं। अब बचता है द टेरिटरी ऑफ ताइवान। ताइवान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेरिटरी, और मुझे लगता है चाइना के बाद जब बजरंगी भाईजान का लाइसेंस खत्म हो जाएगा चाइना में, ये एक फिल्म है इसको चाइनीज डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया गया है, इसका लाइसेंस कब एक्सपायर होगा ये कोई रिवील नहीं कर पा रहा है। मुझे लगता है कि और 2 हफ्ते तो चाइना में चलनी चाहिए बजरंगी भाईजान। लेकिन अब बात करें इसके अलग अलग टेरिटरीज की, तो फ्रेंड्स जापान ओपन है, साउथ कोरिया ओपन है और ताइवान ओपन है, और मुझे लगता है इरोस को इस फिल्म को बजरंगी भाईजान को यहीं स्टॉप नहीं करना चाहिए और इन तीनों टेरिटरियों में रिलीज करना चाहिए। अब बात करें कि सीक्रेट सुपरस्टार हांगकांग में रिलीज हो रही है तो बजरंगी भाईजान का क्या? बजरंगी भाईजान ऑलरेडी हांगकांग में रिलीज हो चुकी है, मैंने उसके बारे में कल डिस्कस कर लिया। लेकिन अब बात होती है द मार्केट ऑफ इजिप्ट। अभी आप सोच रहे हो कि इजिप्ट क्या बोल रहा है भाई, तो यस फ्रेंड्स क्रिश 3 को इजिप्ट में भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि बजरंगी भाईजान भी ऐसी ऐसी कंट्रीज जाए जहां पर हिंदी फिल्में लोग देखना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स कितना वाकिफ रखते हैं आप मेरी बात से, क्या लगता है आपको, क्या बजरंगी भाईजान को रिलीज होना चाहिए जापान में, साउथ कोरिया में और ताइवान में? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, और अगर मेरा पॉइंट वैलिड लगे आपको तो प्लीज लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगती है एपिसोड बनाने में। साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू अनदर एपिसोड, टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन। तब तक एंजॉय बजरंगी भाईजान इन चाइना।